गाइज यहाँ पर लगभग जो है सभी यूजर्स को Realme C3 यूजर्स को Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है उनके अपडेटर में, जो एक स्टेबल अपडेट है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स ने अभी तक जो है अपडेट नहीं किया, क्योंकि उनको अपडेट तो देखने को मिल रहा है मगर फिर भी उन्होंने अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इस अपडेट के साथ कुछ बग्स वगैरह ज़रूर से देखने को मिल रहे हैं। मेजर बग्स है जैसे कि GCam वर्क नहीं कर रहा है, साथ ही साथ कुछ यूजर्स का यहाँ पर जो है रैम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है। फ्री फायर जब गेम्स खेल रही है या फिर कौन सा भी जब गेम खेल रहे हैं उसको जब मिनिमाइज़ कर रहे हैं एंड फिर से गेम को ओपन कर रहे हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जो गेम है रिस्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इशू हमें देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ देखने को मिल रहा है जैसे कि कुछ यूज़र्स को यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग स्पीड जो है कम हो चुकी है। तो काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, GCam का एक मेजर इशू। तो अगर आपने यहाँ पर जो अपडेट कर लिया था आपके डिवाइस को Realme C3 डिवाइस को Realme UI 2.0 पर एंड अगर आपको कुछ बग्स वगैरह देखने को मिल रहे तो फिर से आप रोल बैक कर सकते हो आपके डिवाइस को, जो डाउनग्रेड कर सकते हो Realme UI 1.0 पर एंड्रॉयड 10 पर। तो किस तरीके से करना है सभी स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करनी, कौन सा पैकेज वगैरह डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सभी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके डिवाइस को डाउनग्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले मेन चीज़ आपको यहाँ पर आपके डिवाइस का बैकअप ले लेना है, क्योंकि अगर आप डाउनग्रेड करो डिवाइस को तो यहाँ पर आपके डिवाइस का कंप्लीट डेटा इरेज होने वाला है, फॉर्मेट होने वाला है आपके डिवाइस। सो फर्स्ट मेक श्योर आपने बैकअप जो ले लिया है, अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसका आपको बैकअप लेना जरूरी, क्योंकि आपका सभी डेटा यहाँ पर इरेज होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो पैकेज डाउनलोड करना होता है, पैकेज की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में आपको आपके डिवाइस को कम्प्लीटली यहाँ पर स्विच ऑफ करना है, पावर ऑफ करना है। सो डिवाइस पावर ऑफ होने के बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम डाउन की प्रेस करनी है, साथ ही साथ पावर की प्रेस करनी है। जैसे आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हो आपकी डिवाइस यहाँ पर रिकवरी मोड में चली जाएगी। वेल सो रिकवरी मोड में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि लैंग्वेज सिलेक्शन के ऑप्शन। यहाँ पर सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, बाकी लैंग्वेजेस तो आपको समझ में नहीं आएगी, सो इंग्लिश लैंग्वेज सिंपली सिलेक्ट करनी है आपको। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टॉल फ्रॉम द स्टोरेज का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पर पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो भी आपके आपका जो लॉक स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड उसके बाद में आपको जो भी आपने पैकेज अभी डाउनलोड किया था जिसकी मैंने लिंक आपको प्रोवाइड की है वो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सो उसके बाद में आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप इंस्टॉल कर रहे हो पैकेज को तो आपको आपके डिवाइस को रिबूट नहीं करना है या फिर शट डाउन नहीं करना है, कम्प्लीटली यहाँ पर सभी प्रोसेस कंप्लीट होने देनी है एंड उसके बाद में आपकी डिवाइस जो यहाँ पर रिबूट हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से आप आपकी डिवाइस को जो है डाउनग्रेड कर सकते हो Realme UI 1.0 पर।